आज के लेक्चर में हम लोग अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था कि किस तरह का वो प्रोग्रेशन होता है एंड वी डिड सम ऑफ इट्स क्वेश्चंस। आज हम लोग मूव करने लगे हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 6.3। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू मस्ट नो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है जी अरिथमेटिक मीन। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से अरिथमेटिक मीन। हम किसी नंबर ए को अरिथमेटिक मीन कहते हैं बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ। क्या हो जी कि अगर स्मॉल ए कैपिटल ए और बी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हो। अगर तीन नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो उनका मिडल वाला नंबर इज सेट टू बी एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन दोज टू नंबर्स। अब आ जाती है बात के इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट अरिथमेटिक मीन। तो आइए देखते हैं उसका फॉर्मूला। अब गिवन हमारे पास क्या चीज़ है जी, गिवन दैट के ए कैपिटल ए एंड बी इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हम लोग क्या बात जानते हैं कि सेकंड नंबर का फर्स्ट से डिफरेंस और थर्ड का सेकंड के साथ डिफरेंस वो हमेशा हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम रहता है। इसी बात का मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं इसके सेकंड दो पार्ट्स को इक्वेट कर लेता हूँ आपस में। क्या जी, वो है ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू बी माइनस कैपिटल ए। हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जिसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया, तो उसको एक तरफ कर रहे थे, बाकियों को दूसरी तरफ। क्या होगा जी, ये माइनस ए इक्वल की लेफ्ट साइड पर आके हो जाएगा प्लस का ए इक्वल बी आपके पास वैसे ही, और माइनस ए राइट पे जाकर क्या हो जाएगा जी प्लस ए। नाउ दीज टू सिमिलर विल एड एंड ए प्लस ए विल गिव्स यू टू ए, और ये इक्वल में इसको अरेंज करके ए प्लस बी लिख लेते हैं। अब ये टू जो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो वी विल हैव अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर टू। तो ये हम लोगों ने वो फॉर्मूला निकाल लिया है जिसकी मदद से हम दो टर्म्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है इन विच द स्टेटमेंट इज फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स। वी आर गिवन विद सम नंबर्स और हमें उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। आइए उसका पहला पार्ट देखते हैं। ही सेज 3√5 एंड 5√5 इन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अभी अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा है तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। हमने अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला देखा है बिटवीन टू नंबर्स दैट वाज अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है ए प्लस बी ओवर टू के। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये फर्स्ट टर्म हमारा ए है एंड सेकेंड टर्म इज आर बी, तो ए बी की जगह पर मैं इनकी वैल्यूज पुट अप करूंगा। What will happen? ये मेरे पास आ जाएगा 3√5 प्लस बी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5√5 एंड ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। अब ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, स्क्वेयर रूट 5 में स्क्वेयर रूट 5 सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एड। तो 3√5√ दैट विल गिव अस अ टोटल ऑफ 8√ और ओवर में हमारे पास 2 मौजूद था, इसकी कटिंग कर लें 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो इन दो नंबर्स के दरमियान होगा दैट विल कम आउट टू बी 4√5 एंड दिस विल बी द अरिथमेटिक मीन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आ जाता है जिसमें हमारी टर्म्स जो है वो 1 - x + x² और 1 + x + x² है। अब देखने में जरा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि वेरिएबल्स आ रही हैं और वो भी एक से ज़्यादा, तो प्रोसीजर सेम है, आप लोग उसी को फॉलो करें। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो लिख लेते हैं, दैट वाज ए प्लस बी ओवर टू। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास ए है एंड द सेकंड टर्म इज विल बी कंसीडर्ड एज बी, तो इनकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह आ जाएगा 1 - x + x² यानी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म, देन प्लस फ्रॉम द फॉर्मूला, और बी की जगह पे आ जाएगा 1 + x + x² एंड ओवर 2 विल रिमेन सेम। इसके बाद
आपका प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, यू विल हैव वन प्लस वन टू। इसी तरह एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स का स्क्वायर एंड टू इन द डिनोमिनेटर। अब न्यूमिरेटर में हमारे पास टू कॉमन आ रहा है, टेक द टू कॉमन, अंदर बच जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड ओवर में टू। अगेन आपके पास ये टू टू के साथ कैंसिल, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू गिवन नंबर्स विल बी वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाता है। अभी हम लोगों ने दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखा, और हमने कहा था कि अगर दो नंबर्स के दरमियान एक नंबर आ जाए और वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हो, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। इसी तरह अगर दो नंबर्स के दरमियान अगर दो नए नंबर्स हम डालें और वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा हो, तो इसका मतलब वो जो न्यू नंबर्स हमने ऐड किया दे विल बी द अर्थमेटिक मीन। इसी तरह आप दो तीन चार पाँच, हम जितने भी नंबर्स ऐड करते जाएं और वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दें, देन इट मीन्स के वो नंबर जो हमने इंसर्ट किए हैं दे विल बी नोन एज अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन दोज टू नंबर्स। इसी से हम लोग एन अर्थमेटिक मीन्स की डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाट इज दैट, कि अगर मेरे पास एक ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू सोन ए एन, ये मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, तो मैं कहूँगा ये सारे के सारे नंबर्स अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, कि जब ये इनके दरम्यान हो और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करें। नेक्स्ट चीज़ हमारे जहन में आती है कि सर जब एक अर्थमेटिक मीन था वी ऑब्टेंड अ फॉर्मूला, अब जब एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन्स आ जाएं तो हम उनको कैसे मालूम कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं उसके फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला में अगर मुझे kth अर्थमेटिक मीन निकालना हो फ्रॉम एनी ऑफ दीज ए वन ए टू ए थ्री, अगर कोई kth अर्थमेटिक मीन निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा जी, ए के इज इक्वल्स टू ए प्लस के डी। अब आती है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हमने कैसे निकाला, उसकी तरफ चलते हैं और इसमें k और d किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो याद रखें जो नंबर k है ये हमारे नंबर्स वन टू थ्री फोर अप टू एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हम जौन सा भी अर्थमेटिक मीन निकालना चाहेंगे, आइदर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो मैं के की वैल्यू वो पुट कर दूंगा। तो डी क्या चीज़ है, डी हमारे पास सेम कॉमन डिफरेंस ही होगा जो हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में पढ़ा था, क्योंकि हमने ये बात की थी कि चूंकि अर्थमेटिक मीन्स उन नंबर्स के दरमियान है तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करता है, तो दैट इज़ वाई हम लोग इसमें कॉमन डिफरेंस को यूज़ कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, आइए उसको देखते हैं। अगर मैं अपना फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये बेसिकली मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म होगी, यहाँ पे ए वन इट इज़ अ सेकेंड टर्म, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम फर्स्ट से सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, द प्रोसीजर वाज सिंपल के फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं अपना सेकेंड अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ जो कि असल में हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म होगी, वो कैसे निकलेगी, कि सेकेंड टर्म के अंदर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूँ। मेरी सेकेंड टर्म ये थी ए प्लस डी, तो जब मैं इसमें एक डी मजीद ऐड करूँगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस टू डी। सिमिलरली अगर मैं अपने थर्ड अर्थमेटिक मीन की तरफ जाऊँ जो कि मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक फोर्थ टर्म बन रही होगी, वन टू थ्री फोर्थ पोजिशन पर आ रही होगी, तो वो कैसे आएगी, मैं जो मेरी थर्ड टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस एक और ऐड करूंगा, ये है ए प्लस टू डी, एक और डी ऐड करें देन इट विल बिकम ए प्लस थ्री डी। अगर मैं इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकालता जाऊं तो के नंबर पे जाके जो मेरे पास अर्थमेटिक मीन बनेगा दैट विल सिंपली बी क्या चीज़ जी, वो एक्चुअली में मेरी के प्लस वंथ टर्म होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और वो कैसे निकलेगी कि उससे पिछली टर्म के अंदर मैं अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं एंड दैट वुड मेक इट ए प्लस के डी। दूसरा आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हमारे अर्थमेटिक मीन का लोअर इंडेक्स होगा उतना ही डी का हमारे कॉमन डिफरेंस का कोएफिशिएंट होगा, अगर टू है देन इट इज़ टू डी। इसी तरह अगर आप के अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे देन इट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस के टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूला के बाद आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है
कि सर हम लोग हर नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करवा रहे हैं, तो ये कॉमन डिफरेंस हम लोग मालूम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें एक फर्स्ट और लास्ट टर्म ही गिवन है, तो डी हम लोग इन्हीं दो की मदद से कैलकुलेट किया करेंगे। वो कैसे होगा, आइए उसको देखते हैं। डी निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म में यूज करेंगे। वो कैसे, अगर ये मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए एन तक अर्थमेटिक मीन्स मौजूद हैं, तो मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? जी वो एन प्लस टू हो जाएंगी। वो कैसे, क्योंकि एक टर्म पहले भी मौजूद है, तो ए एन तक हमारे प्रोग्रेशन की टर्म्स ए एन प्लस वन हो जाएंगी, और फिर आगे बी आ रहा है तो एन प्लस वन में एक टर्म और ऐड हो गया, हमारी एन प्लस टू टर्म जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मौजूद है। यानी कि मेरा जो बी है वो एक्चुअली में ए एन प्लस टू पोजिशन के ऊपर आ रहा है। एंड बाय द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए वन प्लस जो हमारा ए एन का लोअर इंडेक्स हो, इससे एक कम कोएफिशिएंट होगा कॉमन डिफरेंस डी का, तो ये आपके पास एन प्लस टू है, यानी डी का कोएफिशिएंट दिस टाइम एन प्लस वन होगा, इससे एक कम, तो ये मेरे पास बी की वैल्यू आ जाती है। अब इसके अंदर जो मेरी फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो क्या है, दैट वॉज ए, यानी मेरा बी इक्वल होगा ए प्लस एन प्लस वन टाइम्स डी के। अब मैं डी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो ए जो ऐड हो रहा है लेफ्ट पे जाकर हो जाएगा बी में से माइनस, इक्वल एन प्लस वन टाइम्स डी। अब ये एन प्लस वन डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है क्या, बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया करेंगे, और उसके बाद ये एक एक फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग अपने सारे अर्थमेटिक मीन्स को कैलकुलेट कर लिया करेंगे। मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द स्टेटमेंट इज फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। हमने इनके दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। अब ये अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हम लोगों ने फॉर्मूला भी ऑब्जर्व किया है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें टर्म्स जो गिवन है उनके दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट करते हैं। मैं फर्ज कर लेता हूं मैंने लेट कर लिया कि A1, A2, A3 एंड A4 मेरे 4 अर्थमेटिक मीन्स हैं बिटवीन दीज नंबर, तो इसका क्या मतलब हुआ, देन इट मीन्स के स्क्वायर रूट 2 A1, A2, A3, A4 और लास्ट में 12 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, और मेरी लास्ट टर्म जो कि एक्चुअली मैं इस प्रोग्रेशन में 6th पोजीशन पर आती है वो क्या है जी, 12 ओवर स्क्वायर रूट 2, यानी माय A1 इज स्क्वायर रूट 2 व्हाइल माय A6 इज 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब इसके पहले मैं अपना कॉमन डिफरेंस डी कैलकुलेट करूंगा एंड देन मैं बारी बारी अपने सारे अर्थमेटिक मीन्स को फाइंड कर लूंगा। अब ये A6 मुझे गिवन है बाय द फॉर्मूला ऑफ AP। A6 हमारे पास बनता है A1 प्लस 5D। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, A6 की वैल्यू है 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल A1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 5D आ जाएगा एज इट इज। अब ये 2 जो स्क्वायर रूट का ऐड हो रहा है 5D में, लेफ्ट पर जाके हो जाएगा माइनस, तो 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5D के। अब दो फ्रैक्शंस जो माइनस हो रही है इनका एलसीएम लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 के नीचे कुछ नहीं, सो दैट मींस देयर इज 1। स्क्वायर रूट 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, 12 विल बी सेम क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है। माइनस जब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से होगा विल गेट एट 2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 का बनेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 5D। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके आ जाएगा 12 माइनस 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 5D के। 12 माइनस 2 हमारे पास आ जाता है जी 10 ओवर में 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू
5d आ जाएगा वैसे ही। नेक्स्ट ये 5 जो d से मल्टीप्ल हो रहा है इक्वल की लेफ्ट पे जाके डिवाइड होगा, वी विल हैव 10 ओवर 5। अब जो 2 स्क्वायर रूट में था वो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू डी के। नाउ 5 वन्स आर 5 एंड 5 टूज आर 10, यानी मेरे पास कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आ जाती है 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब इसके बाद हमारे पास 2 और नीचे भी 2 का स्क्वायर रूट, 2 दोनों टर्म सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि हम 2 को 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड ओवर का स्क्वायर रूट एज इट इज। अब ये 1 स्क्वायर रूट ऊपर कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास डी की वैल्यू आ जाती है 2 का स्क्वायर रूट। अब हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है इसकी मदद से, और फर्स्ट टर्म की मदद से हम लोग अपने अर्थमेटिक मीन्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे जी, आते हैं जी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1 की तरफ, जो कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म बनती है। और सेकंड टर्म कैसे कैलकुलेट की जाती है जी, आप सही कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। अब आपकी फर्स्ट टर्म क्या थी, आवर फर्स्ट टर्म वाज स्क्वायर रूट 2, तो A1 की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट प्लस कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ 2, सेम अंडर रूट ऐड हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। ये हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ जाता है जी बिटवीन दीज नंबर्स। अब हमने सेकेंड अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो वो हमारे प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म बनती है, यानी सेकेंड टर्म जो कि हमने A1 निकाली है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। A1 हमारे पास कितना आया जी, इट केम आउट टू बी 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस, इसके अंदर जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे जो कि हमने 2 निकाला था, तो मेरे दूसरा अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। इसके बाद थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालना, थर्ड अर्थमेटिक मीन के लिए सेकेंड के अंदर जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, A2 हमने निकाला है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, द कॉमन डिफरेंस वाज अगेन 2 का स्क्वायर रूट, तो 3 अंडर रूट प्लस अंडर रूट दैट विल गिव अस 4 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाता है तीसरा अर्थमेटिक मीन। और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम चौथा अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट कर लेंगे, विच विल बी A3 प्लस D। A3 की वैल्यू हमने निकाली है 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर रूट, कॉमन डिफरेंस भी 2 का स्क्वायर रूट, एंड द फोर्थ अर्थमेटिक मीन केम आउट टू बी 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो ये हम लोगों ने चारों अर्थमेटिक मीन निकाल लिए हैं जो उसने हमसे डिमांड किए थे। इसी एक्सरसाइज के हमारे पास बाकी के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6, इन तीनों सवालों में उसने हमसे बिलतरतीब 3 अर्थमेटिक मीन्स 6 और 7 अर्थमेटिक मीन्स की डिमांड की है, जो हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनको खुद ट्राई करें, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।